हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर एसीज की और माइडिया एसीज की, क्योंकि दोनों ही कंपनीज के एसी यानी कि दोनों ही ब्रांडिंग के साथ आपको एसी मार्केट में मिल जाएंगे, कैरियर की ब्रांडिंग के साथ भी और माइडिया की ब्रांडिंग के साथ भी। जबकि मजे की बात यह है कि दोनों ही जो कंपनीज के एसी हैं वो बनाने वाली कंपनी माइडिया है, और कैरियर माइडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक और कंपनी रजिस्टर्ड हो रखी है इंडिया में। यानी कि इंडिया में जो कैरियर के एसी आते हैं या माइडिया के एसी भी आते हैं वो कैरियर माइडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर ही आते हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कैरियर की ब्रांडिंग के साथ जो एसी आ रहा है वो ज़्यादा बढ़िया होता है या माइडिया की ब्रांडिंग वाला एसी ज़्यादा बढ़िया होता है। जबकि हमने देखा है, या आप भी कंपेयर कर लीजिएगा, सेम मॉडल जैसे डेटन का मॉडल आप ले लीजिए, कोई डेटन 3 स्टार या 5 स्टार, और सेम कैटेगरी का कैरियर का उठा लीजिए और सेम कैटेगरी का माइडिया का उठा लीजिए, तो आपको लुक से लेकर उसके डिज़ाइन वगैरह और फीचर वगैरह सब कुछ सेम ही मिलेगा, लेकिन प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फर्क मिलेगा। कैरियर का एसी आपको महंगा मिलेगा जबकि माइडिया का एसी आपको सस्ता मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंपनीज के जो एसी हैं वो एक ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, आपका जो भी मानना हो, आपके जो भी रिव्यूज़ हो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा ये मानना है कि जब एक ही फैक्ट्री में, एक ही प्रोडक्शन हाउस में दोनों कंपनीज़ के एसी मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम ही फॉलो होते हैं ऐसी कंडीशन में। तो जब स्टैंडर्ड्स फॉलो एक ही होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी जो है कैरियर और माइडिया की आपको सेम मिलने वाली है, उसमें कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, ये है कि जैसे कैरियर अपना डिज़ाइन अलग करता है, आउटडोर का डिज़ाइन कुछ अलग है, माइडिया का कुछ अलग है, तो वो डिज़ाइनिंग अलग हो सकती है, लेकिन जो अंदर मैकेनिज्म है, फंक्शनैलिटीज़ हैं या फिर जो प्रोसेस है वहाँ पर प्रोडक्शन का, वो सारा का सारा एक ही रहेगा, और जो मटेरियल रॉ मटेरियल उसमें यूज़ किया जा रहा है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है अगर प्रोडक्शन हाउस सेम होता है। बस फर्क इतना होता है कि ऊपर ब्रांडिंग जो है वो अलग कर दी जाती है। तो ऐसे में ये समझना कि कैरियर के एसी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे माइडिया से, मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा, क्योंकि माइडिया को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बेशक माइडिया एक चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन माइडिया दोस्तों वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने ग्री का नाम क्यों नहीं लिया। दोस्तों, ग्री, माइडिया और हायर तीन कंपनियां हैं जो चाइना से बिलोंग करती हैं, और तीनों ही जाइंट हैं एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और कभी ग्री आगे आती है, कभी माइडिया आगे चलती है, तो ऐसे में इनका कॉम्पिटिशन चलता रहता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में माइडिया सबसे बड़ी कंपनी है एयर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। लेकिन हाँ, ग्री का जो नाम है वो एक अलग है, ग्री मास्टर्स हैं एयर कंडीशनर के मामले में। हम कभी ग्री के बारे में भी वीडियो डिटेल से बनाएंगे तो मैं उसके बारे में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि ग्री के एयर कंडीशनर किस तरह से होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं माइडिया और कैरियर के। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एग्जांपल के लिए कुछ कैरियर के और माइडिया के मॉडल्स लिए हैं फ्लिपकार्ट पे भी और अमेज़ॉन पे भी देखने के लिए। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉडल मैंने लिया है 1 टन का, जो कि 3 स्टार में है, इन्वर्टर है कैरियर का, इसका प्राइस आप देखिए। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ माइडिया वाला, जो कि वो भी 3 स्टार है और 1 टन में है, इन्वर्टर है, तो इसका प्राइस देखिए आप। तो आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरह से अमेज़ॉन पर चलते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर भी आप देखिए कि दोनों ब्रांड्स में कितना फ़र्क है सेम कैटेगरी के एयर कंडीशनर्स में। और यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि कंपैरेटिवली ये जो दोनों ही ब्रांड हैं ये फ्लिपकार्ट के ऊपर सस्ते मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। तो वो एक आपकी इच्छा है कि आपको किस साइट के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है, आप उससे ही बाय कीजिए। बट मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि कैरियर, ठीक है, फादर ऑफ एयर कंडीशनर कहते हैं उसको, उन्होंने इजाद किया एयर कंडीशनर, लेकिन अब इंडिया में इतना ज़्यादा कोई फेमस नहीं है, इसलिए कैरियर की ब्रांडिंग के साथ हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन माइडिया के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर किया जा सकता है, जैसे हम ग्री के ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो खुद बना के दे रही है, तो इसीलिए माइडिया के ऊपर भी ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वो खुद कर रही है, और अपने जो ब्रांड होते हैं, अपना जो
ब्रांड होता है उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं लगने देती कंपनी, ये आप मान के चलिए। और अगर कैरियर में इतना दम होता तो वो माइडिया के साथ जाके कोलैबोरेशन नहीं करता, जबकि इतना पुराना ब्रांड है कैरियर। तो ऐसे में मेरे हिसाब से हमें दोनों में अगर कुछ चूज़ करना हो तो हमें माइडिया चूज़ करना चाहिए। उसके दो बेनिफिट होंगे हमें, एक तो प्रोडक्ट अच्छा मिलने की संभावना हो जाती है, और दूसरी बात यह है कि वो कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।